आज हम पहुंचे हैं बिहार के मधेपुरा में। मधेपुरा के बारे में ये कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। इसकी वजह भी है, दरअसल मधेपुरा यादवों का गढ़ है। अब तक यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं उन सबों में सिर्फ यादव उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है। लालू यादव, शरद यादव और पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शरद यादव का मुकाबला जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव से है और पप्पू यादव ने चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है। तीन यादव उम्मीदवारों के होने की वजह से यहाँ का चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में यादव वोटर किसके साथ जाएगा, ये जानने के लिए आज हम मधेपुरा के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए। मधेपुरा देश की वो लोकसभा सीट जहां का सांसद सिर्फ और सिर्फ यादव ही होता है। कई ऐतिहासिक सियासी लड़ाइयों का गवाह मधेपुरा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि मुकाबले में है तीन दिग्गज यादव। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव। मुकाबला है नीतीश सरकार में मंत्री दिनेश चंद्र यादव और 2014 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते मौजूदा सांसद बाहुबली पप्पू यादव से। तो आखिर प्रतिष्ठा के इस जंग में किस साइड खड़े हैं बिहार के सबसे बड़े यादव लैंड के यदुवंशी? इस सवाल का जवाब जानने इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र मधेपुरा के गांव से लेकर चौक चौराहों तक पहुंचे और वोटर से पूछा एक सवाल, मधेपुरा के यादव किसके साथ? मधेपुरा में यादव वोटर आखिर किसके साथ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मधेपुरा के गुलजारबाग इलाके में, जहां यादवों की संख्या काफ़ी अधिक है और हमारे साथ काफ़ी यादव मतदाता भी हैं। ये बताइए कि तीन यादव उम्मीदवार हैं यहां पर इस बार, तो कौन जीतेगा आपको लग रहा है? पप्पू यादव। लेकिन लालू यादव तो दावा करते हैं कि यादव वोट बैंक मेरे कब्जे में। ऐसा कुछ नहीं है, लालू यादव जब तक थे वो लालू यादव वाला आरजेडी नहीं रहा। जो पहले कोई भी पार्टी कहते थे कि वोट बैंक है, मांस है, मांस मूस कुछ नहीं है पप्पू यादव के लिए, सिर्फ जानता है लोग हर कास्ट में, सिर्फ ये कह रहा है कि हॉकी बॉल जिंदाबाद होगा। यादव को तो टिकट ही नहीं दिया आरजेडी ने, तो आपको लगता है कि उनके पास वो आरजेडी का कैडर वोट नहीं? सब खत्म हो गया है पप्पू यादव, जो विकास किया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जहाँ तक आपने इनसे कहा था कि जो राजद का यादव जो है यहाँ गढ़ है, मैं आपको बताना चाहता, राजद का जब यादव यहाँ गढ़ होता तो लालू जी क्यों चुनाव हारे, पप्पू यादव क्यों 2 लाख से चुनाव जीते? शरद जी हवाई हवाई की नेता है, अब रही दिनेश चंद्र यादव जिसको लोग 10 साल से देखवे नहीं किया है, अब पप्पू यादव हर दिन 24 घंटा किसी की फोन भी चले जाती है, किसी भी जात का व्यक्ति हो पप्पू यादव वहां जाने का काम करते हैं। मुकाबला किसके किसके बीच में है? मुकाबला पप्पू जी बनाम शरद यादव और कोई नहीं है तीसरा। यहाँ एक नंबर पे कौन है? पप्पू जी रहेंगे एक नंबर। यहाँ का यादव किसके साथ जाएगा? पप्पू यादव के साथ जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव हर समय क्षेत्र में रहता है और क्षेत्र के लिए काम करता है, इसलिए सब जनता पप्पू यादव के साथ रहेगी। पप्पू यादव ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है? पप्पू यादव जी बहुत गरीब का बहुत मदद करता है, कोई हॉस्पिटल में रहता है तो उसको जाकर के इलाज करवाता है, और उसको किसी का ब्लड का जरूरी है तो पप्पू यादव जी उसको ब्लड दिलवाता है, इसीलिए गरीब का नेता और मधेपुरा की यादव का नेता अभी पप्पू यादव ही है। मधेपुरा में यादवों का नेता कौन है, लालू यादव या पप्पू यादव या फिर दिनेश चंद्र यादव? मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में यादवों नहीं, तमाम जाति के नेता पप्पू यादव हैं, और विकास ही नहीं सबका बेटा है पप्पू यादव। और ये बच गया लालू यादव की जहाँ तक बात, वो जमाना चला गया आज से 10 साल पहले, तेजस्वी और तेज प्रताप में खुद बनाव नहीं है, तो फिर वो यादवों का नेता किस बात का? आरजेडी से पप्पू यादव टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला, टिकट मिल जाता तो आपको लगता है कि और आसानी होती उनके लिए? नहीं, आसानी की बात नहीं है, पप्पू यादव किसी की मोहताज नहीं है सर, ये बात दुनिया जान चुकी है, लालू जी के अगेंस्ट ही हर बार ये चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में आप पहले अंदाजा उठा लीजिए शरद जी कितने वोट से लालू जी से जीते थे और पप्पू जी कितने वोट से शरद जी से जीते थे। अगर दोनों के वोट में पप्पू जी का वोट ज्यादा है तो आपको मानना पड़ेगा मधेपुरा पप्पू जी का है। पप्पू यादव इस धरती से पैदा हुए, इस धरती पर जन्मे, इस धरती का हर मिट्टी उनको जानता है। लेकिन शरद यादव को लालू यादव का साथ है, तेजस्वी यादव का साथ है? तेजस्वी यादव जो अपना पढ़ा लिखा नहीं है दूसरे को क्या पढ़ा लिखा सिखाएगा, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है संविधान चेंज करने के लिए चला, अपने को चेंज करे पहले, अपने घर में उसको बनाओ, नहीं है दूसरे को क्या सिखाएगा मिलकर आने के लिए। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? कोसी का बेटा पप्पू यादव है सर, इसके लिए पप्पू यादव 24 घंटा सब आदमी के साथ रहता है, जहाँ खोजिए 24 घंटा। यहाँ के जो प्रतिनिधि पहले से जीत के गए हैं,
पांच साल में एक बार आते हैं वोट लेने के लिए, मगर पप्पू यादव ऐसा नेता है सभी आदमी के बीच रहते हैं 24 घंटा। गुलजार बाग के यादवों का जो मूड दिखा वो पप्पू यादव के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि मधेपुरा में जीत और हार यादव वोटर ही तय करता है। यादव यहाँ इतने पावरफुल हैं कि पिछले 14 चुनाव से हर बार यदुवंशी ही चुनाव जीतता आया है। मधेपुरा में 22.26% यादव है, 12.14% मुसलमान, जबकि ब्राह्मण और राजपूत 5.5% है, यानी किसी भी दूसरी जाति का वोट यादवों से आधे से भी कम है। हम पहुंचे हैं मधेपुरा में कॉलेज चौक के पास। दरअसल यहाँ पर आसपास में कई कॉलेज हैं, इस वजह से इसका नाम कॉलेज चौक है, और कॉलेज होने की वजह से काफ़ी युवा मतदाता भी यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करते हैं, ये बताइए कि जो मधेपुरा का युवा यादव मतदाता है वो क्या सोच रहा है? लेकिन मधेपुरा लोकसभा की जो यादव हैं वह वन साइडेड वोट कर रहे हैं, शरद यादव जी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए जिताने का काम कर रहे हैं शरद यादव जी को कि आप विगत दिनों पहले देखे ही हैं कि पलटू चाचा ने महागठबंधन को यहाँ से जिता करके भेजने का काम किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, रातों रात जा करके बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और जनता के साथ यहाँ पे उनसे धोखा करते हैं। तो पप्पू यादव को सारे लोग जानते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, तो पप्पू यादव को कोई यादव वोट देने नहीं जा रहे हैं, वो हवा फायरिंग दे करके चल जाएंगे। क्या लग रहा है, तीन यादव तीन कौन जीतेगा, कि यादव मतदाता किसके साथ जाएगा? शरद यादव के साथ जाएगा, क्योंकि जो भी दिया हुआ है मधेपुरा यूनिवर्सिटी से लेके रेल इंजन कारखाना जितना भी जो भी मटेरियल है वो लालू यादव का देन। यादव मतलब सीधा रोम में पोप का, मधेपुरा में गोप का, इस बात को आप मान के चलिए, जेल का फाटक टूटेगा और लालू यादव छूटेगा। कण कण में लालू, जन जन में लालू, ये बात सुने होंगे आप लोग। लालू यादव छोड़ के दुनिया में किसी को नहीं चिन्हते हैं, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव भी है यहाँ पे, किसी को चिन्हबे न करते हैं। यादव ने मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया, बात नहीं है उससे, हमको कोई ताल्लुकाते नहीं पप्पू यादव से या किसी से, सिर्फ लालू, ओनली फॉर लालू यादव। हाँ, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि मधेपुरा में त्रिकोणात्मक लड़ाई है, दो तरफा है, एक तरफा है? पप्पू यादव का होगा 100% जीत, पप्पू यादव का होगा, क्योंकि गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव। आपको क्या लग रहा है, नीतीश का यादव, लालू यादव का यादव या पप्पू यादव? पप्पू यादव का, पप्पू यादव। क्यों? नहीं, अच्छा नेता है वो, क्योंकि पप्पू को हम जितना देर में बुलाना चाहते वहाँ पहुँच जाते हर एक। सही बात है, जो जहाँ हम लोग वहाँ बुलाते हैं वहाँ बुला आ जाता है। पप्पू यादव यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि जब भी गरीब और मजदूर को पानी का जरूरत हो तो पानी का व्यवस्था करते हैं, बीज का जरूरत हो तो बीज का व्यवस्था करते हैं। यादव भी तो यादव है, दिनेश चंद्र यादव भी तो यादव है। गरीब के साथ वो नहीं रहते हैं, गरीब के साथ नहीं रहते हैं, गरीब के साथ रहने वाले, मरीज के साथ रहने वाले को हम लोग जिताएंगे। यहाँ सर पप्पू यादव जी 2 टर्म सांसद रहे हैं, 1 टर्म उनका जेल में ही समय बीत गया, ठीक है, दूसरे टर्म बाहर रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ विकास कहीं कोई विकास नहीं है। विकास अगर है, रोड देख लीजिए आप, यहाँ से पूर्णिया जाके देख लीजिए, यहाँ से आप सहरसा जाके देख लीजिए, रोड का पता चल जाएगा जो विकास कहाँ है। कुछ यादव कह रहे हैं कि शरद यादव बाहर के हैं, कोई बात नहीं है सर, रैली किया सर, जीत उसका होगा जिसके साथ मौत घोट आइए और बिहार में तेजस्वी को लाइए, बिहार में कोई विकास नहीं है। ये नीतीश कुमार को देखिए जाके, यहाँ मुरलीगंज और मधेपुरा वाला रोड में इतना गड्ढा है, सीधे गाड़ी घुसता है अंदर तो ऊपर निकलता है, ठीक ना। आज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका श्रेय लालू यादव को जाता है। कॉलेज चौक पर मिले कई यादव भले ही लालू यादव का गुणगान कर रहे हों, लेकिन यादवों के इस सबसे बड़े गढ़ में बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता लालू यादव को भी शिकस्त मिल चुकी है। लालू को हराने वाले शरद यादव इस बार लालू की ही पार्टी से मुकाबले में है। शरद यादव 1991, 96, 99 और 2009 में 4 बार मधेपुरा से जीत चुके हैं, लेकिन 4 बार इस सीट पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। अब लालू यादव के नाम भरोसे वो एक बार फिर मैदान में हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार करने वाले बीपी मंडल के मधेपुरा में यादव वोटर क्या सोच रहा है, यादव वोटर किसके साथ जाएगा, ये जानने के लिए अब हम पहुंचे हैं लालू नगर में। लालू यादव के नाम पर ये इलाका है जी? है तो, हाँ, लालू यादव के नाम पर है लालू नगर। लेकिन ये चुनाव में फिर क्या चल रहा है? हाँ, तो अभी फिलहाल त्रिकोणीय, लेकिन है यहाँ के सब दिन से तो लालटेन लीड करता आया है और संभवता है कि लालटेन ही जीतेगा। आपको क्या लग रहा है यादव वोटर किधर जाएगा? लालटेन साहब में जाएगा। हाँ, बाकी दो जो उम्मीदवार हैं वो भी यादव दो, हाँ, वो दुआ यादव हार जाएगा, नहीं जीतेगा। यादव किधर जाएगा? लालटेन साहब को। लालू नगर नाम है इसी इलाके का, इसलिए नहीं, लालटेन का बहुत बड़ा देन है। पप्पू पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे? नहीं, यहाँ लालू का क्षेत्र है और लालू रहेगा सब रोज, जब तक लालटेन रहेगा तब तक हम लोग
लालू को वोट, शरद को वोट हम लोग नहीं देते हैं, लालू यादव को वोट देते हैं। ये लालू नगर नाम है तो क्या लालू यादव की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है? लालू यादव जीतेगा यहाँ से 100%। और लेकिन दो उम्मीदवार हैं वो भी यादव हैं? नहीं, लालू यादव का यहाँ सपोर्ट ज़्यादा है और अच्छा से लालू यादव जीतेंगे। तो यादव वोटर निर्णायक रहा है, यादव किधर जाएगा? लालटेन में जाएगा, क्यों? बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लग रहा है, कांटे का मुकाबला है क्या? सर नहीं, कांटे यहाँ तो निकल रहा है, लालटेन छाप निकल रहा है, शरद यादव निकल रहा है। हाँ, पप्पू का खेल खत्म है। यादवों के गढ़ मधेपुरा में जीत हासिल करना एनडीए के लिए हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2014 की मोदी लहर में भी मधेपुरा में बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए का यहां खाता नहीं खुला। मधेपुरा संसदीय क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन जीता था। मधेपुरा के यादव वोटरों के मिजाज को समझने के लिए अब हम पहुंचे हैं आनंद विहार कॉलोनी में और यहाँ हमारे साथ काफी संख्या में यादव मतदाता है, महिलाएं भी काफी है। ये बताइए कि यादव महिलाएं क्या सोच रही हैं? मधेपुरा की महिलाएं खास करके मन बना ली है और राजद को इस बार वोट करेगी। लेकिन जो बाकी दो उम्मीदवार हैं वो भी यादव हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसे यादव वोटों का बिखराव? दोनों यादव हैं लेकिन कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं। देख लीजिए, यहाँ मधेपुरा में सांसद भी यादव थे लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ तीन यादव खड़े हो गए हैं, आपको क्या लग रहा है, वोटों का बिखराव होगा या एक तरफा मुकाबला है? देखिए, ये मधेपुरा शुरू से यादव का गढ़ रहा है और खास करके आप देख ले तो मधेपुरा का जो भी विकास अभी तक हम अपने जन्म के बाद जब से होश आए तब से देख रहे हैं, तो यहाँ जो भी है वो लालू यादव की देन है। यहाँ पे क्या है, किसके किसके बीच मुकाबला है? यहाँ शरद यादव की अच्छा रहेगा, उसको वोटिंग करेंगे हम लोग। या हम लोग के जितने भी गरीब का मसीहा है, हम लोग सीधा लालू यादव को जानते हैं, लालू यादव की अनुसार हम लोग चलते हैं। मधेपुरा में पप्पू पास होंगे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पप्पू यादव जी भी हैं, पहले 5 साल पहले सांसद रह चुके हैं। लेकिन अभी आप मधेपुरा से सहरसा जाने वाले रोड का स्थिति देखिए, अगर एक बार आप जाइएगा ना तो उस दिन आप पूरा थक जाइएगा, ये 100% तय है। जब तक समोसा में आलू रहेंगे तब तक जो है ना मधेपुरा में और बिहार में लालू जी रहेंगे। तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पूरा सबूत जो है ना, ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो पूरा पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। मधेपुरा शहर के यादवों का मिजाज तो आपने देख लिया, लेकिन गांव का वोटर क्या सोचता है अब आप ये भी जान लीजिए। मधेपुरा के यादव वोटरों का मिजाज ग्रामीण इलाकों में गए बिना नहीं समझा जा सकता है, इसलिए हम पहुंचे हैं मधेपुरा के साहूगढ़ गांव में और यहां हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं गाँव के लोगों से। ये बताइए कि यहां इस बार तीन यादव हैं चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है यादव वोटर किसके साथ जाएगा? शरद यादव के साथ। त्रिकोणात्मक मुकाबला है या? त्रिकोणात्मक भी नहीं, नहीं नहीं। पिछली बार पप्पू ही जीते? पिछली बार राजद के प्रत्याशी थे वो। अच्छा। और यहाँ मतलब अभी शरद जी लालटेन के लेके आए हैं, लालू जी के। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो है यादव वोटर किसके साथ जाएगा? त्रिकोणीय होगा। यादव जो है गाँव के किधर जाएंगे? यादव गाँव के आरजेडी के साथ जाएंगे, लालू जी के साथ। मधेपुरा के यादव क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? यही लालटेन छाप को जी। आपको क्या लग रहा है इस बार यादव किसके साथ जाएगा? ये तो सर कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ चाहते बस सिर्फ पप्पू यादव होगा, क्योंकि क्षेत्रीय नेता है, वो हमेशा हम लोग के साथ रहता है। ये युवा वोटर जो है, युवा यादव किधर जाएगा, किसका साथ देगा, नीतीश के यादव, लालू के यादव या पप्पू यादव? पप्पू यादव के पास, वही नेता है, हमारे सबका सहयोग करता है सब कुछ। देखते हैं सड़क किनारे कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, ये जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, तीन यादव उम्मीदवार हो गए हैं, तो ऐसे में यादव किसके साथ जाएगा? तीनों आदमी का आदमी है। आप बताइए, जय श्री राम का आपने ये गमछा लपेटा हुआ है, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट हम तक लालटेन को देंगे। नंबर एक पे कौन रहेगा? तो नंबर एक में रहेगा पप्पू यादव। नंबर दो पे मुकाबला किससे होगा? आपको आरजेडी से होगा, लालटेन छाप होगा और हॉकी बॉकी होगा। और नीतीश कुमार के यादव को तीसरे नंबर पे आप? हम कहे रखेंगे, जनता लोग रख रहा है, हम क्यों रखेंगे? तो प्रधानमंत्री की जब बात होगी तब तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में मुकाबला है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। तो गांव से लेकर शहर तक मधेपुरा में हम जहां कहीं भी गए, ज्यादातर यादव वोटर शरद यादव और पप्पू यादव में बटा नजर आया और मतदाताओं ने त्रिकोणीय मुकाबले की बात भी मानी। यानी तस्वीर अभी साफ नहीं है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा यादव वोट मिलेगा, मधेपुरा के महाभारत में राज तिलक उसी का होने की उम्मीद है।
नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मधेपुरा।